हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.3। बेटा, इस एक्सरसाइज में हम प्लस और माइनस करना सीखेंगे, जोड़ और घटाव करना सीखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे बेटा, उसके बाद सभी क्वेश्चन बच्चों ट्रिक से सीखेंगे। ऐसा क्यों? बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों को पता होना चाहिए और ट्रिक इसलिए कि कोई भी क्वेश्चन रूल नहीं याद हो तब भी सही कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रूल बता देती हूँ। देखिए, पहला रूल, यदि बेटा आपको प्लस प्लस साइन दिखे, प्लस प्लस साइन दिखे बेटा, तो आप क्या करेंगे? आप प्लस करेंगे, ठीक है। दूसरा रूल है बेटा, यदि आपको माइनस माइनस साइन मिले तो आप क्या करेंगे बेटा? फिर भी आप प्लस ही करेंगे, ठीक है। तीसरा रूल, यदि आपको प्लस माइनस मिले, क्या मिले बेटा? एक प्लस मिले और दूसरा माइनस मिले, तो आप बेटा माइनस करेंगे, ठीक है। ये बेटा आपका सिर्फ 3 रूल है, ठीक है। इनके साथ में बेटा मेन बात क्या है, जब आप इस रूल को अप्लाई करेंगे आंसर क्या लिखेंगे? आंसर में बेटा बड़े नंबर का साइन आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी आंसर लिखेंगे बड़े नंबर का साइन लगाएंगे, ठीक है। ये रूल है, ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों हर एक कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल बताती हूँ। पहला एग्जाम्पल, यदि दोनों नंबर प्लस हो तो बेटा प्लस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ 3 और प्लस 5, अब आप सीधे बोल दोगे 8 बोल दोगे ना, ये तो आपको पता है। लेकिन मैं और कुछ भी आपको बताना चाहती हूँ। ये देखिए, यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। अब बेटा दोनों में प्लस के साइन है, ठीक है, मतलब यदि प्लस प्लस मिले तो नंबर प्लस कर दो, हमारा रूल ये कहता है दोनों को प्लस कर दो। 3 + 5 = 8, ठीक है। साथ में क्या कहता है, बड़े नंबर का साइन लगाना आंसर में। अब बेटा इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है, उसके आगे साइन कौन सा है? प्लस का, वो लगा दो, ठीक है। ये बन गया आपका आंसर। अब ये प्लस साइन बेटा जनरली नहीं लगाया जाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ माना ही जाता है कोई साइन नहीं लगा, मतलब प्लस का साइन लगा है, ठीक। ये आपका पहला एग्जाम्पल। अब बेटा दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसी को ले लेते हैं। दूसरे में क्या कर रहे हैं बेटा, यदि दोनों में माइनस साइन हो तो नंबर प्लस कर दो, ठीक है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन बदल गया, दोनों में माइनस साइन है, माइनस साइन है, नंबर प्लस कर दो, ठीक है। 3 और 5 बेटा 8 हो गया, नंबर जोड़ दिए, ठीक। अब रूल एक और है, बड़े नंबर का साइन लगाओ आंसर में। बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है, उसके आगे कौन सा साइन है? माइनस का, माइनस लगा दो, आंसर आ गया, ठीक। अब बेटा तीसरे रूल पे चलते हैं। क्या कहता है रूल, यदि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है तो बेटा माइनस किया जाता है। एक प्लस का दूसरा माइनस का, माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, क्या करोगे? माइनस करोगे। 5 में से 3 को माइनस कर दो, घटा दो, कितना आया बेटा? 2 आया। अब क्या आंसर में बेटा बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। बड़ा नंबर कौन सा है? 5, उसके आगे कौन सा साइन? माइनस का,
तो क्या लगाओगे? माइनस। ये तीनों रूल के बेटा एग्जाम्पल थे और ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए। अब बेटा हम ट्रिक से क्वेश्चन करना सीखेंगे। अब बेटा हम सभी क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बेटा ट्रिक बनी है। चलिए हम जानते हैं ट्रिक क्या है। यदि आपको सेम साइन मिले तो बेटा नंबर जोड़ दो, ठीक है। यदि आपको अपोजिट साइन मिले तो नंबर घटा दो। सेम साइन मिले जोड़ दो, अपोजिट साइन मिले घटा दो, बस ये है आपका काम, ठीक है। और आंसर में बेटा बड़े नंबर का साइन लगाना है, ठीक। अब शुरुआत करते हैं। ये बेटा आपका क्वेश्चन, मैंने इसे दोबारा लिख लिया, ठीक। अब सॉल्व कैसे करोगे? यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा है बेटा? प्लस का साइन है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है। साइन कैसे हैं? अपोजिट है, उल्टे हैं, है ना। एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है। नंबर क्या करोगे? घटा दो। तो बेटा 35 में से 20 घटा दो, कितना आएगा बेटा? 15, ठीक है। बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर कौन सा है? प्लस का, तो प्लस साइन आएगा। लेकिन ये जो प्लस साइन होता है बेटा, नहीं लगाओगे तब भी माना जाता है ये मौजूद है। तो आंसर बन गया आपका 15, ठीक है। इधर चलो, क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, ठीक है। अब साइन पे ध्यान दो, एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, अपोजिट साइन है, उल्टे साइन है अपोजिट। तो क्या करोगे? नंबर घटा दो। तो बेटा 90 में से 72 को घटा दो, कितना आएगा बेटा? 18 आएगा, ठीक है। अब आगे आंसर जब लिखो तो बड़े नंबर का साइन लगा दो। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 90 है ना, उसके आगे कौन सा साइन है? माइनस का। बड़े नंबर का साइन लगा दो आंसर में। तो बड़ा नंबर 90 है, उसके आगे माइनस है, माइनस लगा दो। आपका आंसर आया बेटा माइनस का 18। अब बच्चों इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बेटा, ये माइनस का 15, ठीक है। अब ट्रिक क्या कहती है? यदि सेम साइन है, ध्यान दो बेटा, यहाँ सेम साइन है। यदि सेम साइन है तो प्लस कर दो। तो बेटा दोनों सेम साइन है, प्लस कर दिया, ठीक है। अब आगे चलो, फिर ट्रिक क्या कहती है? यदि अपोजिट साइन है, ये देखिए ये माइनस का, ये बेटा प्लस का, अपोजिट साइन है, माइनस कर दो। 18 में से 15 घटाओगे 3, आंसर में बेटा बड़े नंबर का साइन लगा दो। बड़ा नंबर प्लस का है, आंसर क्या हुआ? प्लस का 3, मतलब हम उसे क्या लिख सकते हैं बेटा? 3, ठीक है। अब इधर देखो, ये माइनस का 20, ये माइनस का है, ये माइनस का है, सेम साइन है, नंबर जोड़ दो। 20 और 13 जोड़ोगे 33 आएगा, ठीक है। आंसर में बेटा बड़े नंबर का साइन लगा दो। बड़ा नंबर 20 है, उसके आगे माइनस है, माइनस लगा दो। आंसर क्या बना बेटा? माइनस 33। अब बेटा इस क्वेश्चन में ये आपका 23, ध्यान दीजिए ट्रिक क्या कहती है? माइनस माइनस साइन है, प्लस कर दो। तो बेटा प्लस कर दिया और ये 12, ठीक है। अब यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, ठीक है। प्लस प्लस है बेटा, सेम साइन है, प्लस कर दो।
दोनों नंबर को बच्चों जोड़ दो, कितने हो गए? ये हो जाएगा 3 और ये 5। आपका आंसर 35 है। अब इधर ध्यान दो बेटा, ये माइनस का 32, ये माइनस का, ठीक है? सेम साइन है, प्लस कर दो, प्लस कर दिया और ये बेटा 40, ठीक। अब ध्यान दो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, अपोजिट साइन है, नंबर घटा दो, माइनस कर दो, तो बेटा 40 में से 32 घटाओगे, 8 आएगा, ठीक है। आंसर में बड़े नंबर का साइन लगा दो, बड़ा नंबर बेटा प्लस का है, प्लस साइन लगा दो। आंसर कितना हुआ बेटा? 8।